आवाज आ जाती है। एक दो तीन। चलो आज हम लोग काफी तेज स्पीड में काम कर रहे हैं। वेट 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 वेट, सब ओके है, बट मैं अपने साथ ज्यादा फूड लेके नहीं चल रहा हूँ। ये 5 फूड से कुछ नहीं होने वाला। मुझे फूड अभी बाहर जाके इनको मारना पड़ेगा, अभी ज़ॉम्बीज़, ज़ॉम्बीज़ कह रहा हूँ, मॉब्स, आई मीन एनिमल्स को, ताकि मैं थोड़ा बहुत फूड इकट्ठा कर पाऊँ अच्छा खासा, तभी काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी ओ ग्रेवल आया शायद, नहीं ग्रेवल नहीं था, नॉर्मल स्टोन है। अभी डिग करता हुआ खाली बिली नीचे जाता जा रहा हूँ, बट अभी तक कुछ मिल नहीं रहा है। लेट्स गो, कुछ तो मिल जा भाई। अली बिली नीचे भाग रहा हूँ। संदीप सिंह भाई कैसे हो, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, व्हाट्सअप नॉट एफएफ गेमिंग। ए योग संधु स्वागत है भाई आपका, युग संधु सॉरी। प्लीज भाई शाउट आउट टू एनएक्सटी टेक्नो गेमर वीडियो, एनएक्सटी टेक्नो गेमर वीडियो शाउट आउट टू यू। एक तो अबे यार एक ग्रेवल नहीं मिली, ऊपर से इतना घटा करने के बाद एक माइन नहीं आई, सबसे ज्यादा दुख। ओ लावा 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 है नीचे, मेरे को साउंड आ गया, साउंड आ चुका है मेरे को, नीचे लावा है, हो गया अपना मस्त काम हो चुका है। मेरे को इस लावा के थ्रू पोर्टल बना लेना है। अभी पोर्टल बना के कोई फायदा है क्योंकि मेरे पास आयरन आर्मर नहीं है। एक काम करते हैं, लगे हाथी ना मैं आयरन, ओए एक मिनट रुको, पहले ना ये वाला ब्लॉक कवर करना होगा क्योंकि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो यहीं से पानी डाल के जाऊंगा। अगर मैंने पानी डाला तो पानी जाएगा लावा पुल में और लावा पुल का नाश पिट जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी यहाँ पर भी मुझे जगह मिल चुकी है लावा पुल में उतरने के लिए, इसको तोड़ के साइड हो जाता हूँ, यहाँ से जंप मार देता हूँ इधर, और अभी मुझे यहाँ से आगे उतर के लैंड होना, नीचे लावा पुल का एक्सेस मिल जाए और वहां से हो सकता है मुझे डायमंड्स भी मिल जाए। भैया लावा पुल या तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है या फिर मेरे को कोई बेस अच्छा मिल नहीं रहा है उतरने के लिए। वेट, कोई डायमंड है आसपास? नहीं, इसको तोड़ देता हूँ पहले। वन टू, एक बारी पोर्टल बन जाए ना फिर मैं सारा लावा पुल हटा दूंगा, पोर्टल का जरूरत है अभी मेरे को मेनली। दो तीन, ये वाला जाना है, ये मैं आ गया अभी, एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर आसपास खैर डायमंड तो नहीं है, इतनी अच्छी किस्मत अपनी है कभी नहीं होती कि डायमंड में मिल जाए। खैर अभी काम करता हूँ मैं ना, पोर्टल बना ही डालता हूँ क्योंकि अब यहाँ तक आए हैं तो पोर्टल बन जाए तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। वैसे अगर हल्का सा भी लावा टच हुआ ना मैं इतना बुरा मरूं, क्यों मरूंगा, पानी डाल लूंगा ना अपने ऊपर। बट हाँ अगर पानी गलती से अगर गायब हुआ किसी तरीके से, क्योंकि ग्लिच आजकल काफी ज्यादा हो जाते हैं कभी कभार, तो वो चीज हुई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। खैर एक काम करता हूँ, बीच में हरकत करने की बजाय ना मैं कोने में चल लेता हूँ ताकि मेरे पास एक सेफ पॉइंट तो रहे एटलीस्ट। यहाँ पर ये वाला ब्लॉक तोड़ देते हैं, अभी परफेक्ट है। आगे चल के थोड़ा घूम के आते, क्या पता डायमंड मिल जाए। डायमंड को वैसे काफी ज्यादा नीचे कर दिया गया मैंने सुना है, तो लेकिन अब हम भी इस टाइम काफी ज्यादा नीचे चल रहे हैं, बट यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि डायमंड मिलने साइड पड़े रहने देता हूँ ऐसी। तो यहाँ पर रखना है, वेट 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 वेट, एक ब्लॉक रखा यहाँ पे, इससे बोलो पानी, ओ गया पानी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को पता करना चाहिए था कि आखिर कितना वो डीप है। वो पता बहुत डीप लावा है इसलिए पानी नीचे वाले ब्लॉक पे चला गया, और अभी ऑब्सीडियन बन के शायद पानी गायब हो गया होगा, पानी वहां होगा नहीं। हाँ पानी गया भाई अपना, अब मेरे को यहाँ से वापस जाना होगा पानी इकट्ठा करने के लिए। गलत ही सीन भाई, कोई दिक्कत नहीं। वन, अब मेरे को यार जो चीज मैं नहीं चाह रहा था वही करनी पड़ेगी। मेरा क्लाइंब करके ऊपर जाने का मन नहीं था बट पानी गया और अब मेरे को क्लाइंब करके ही ऊपर जाना होगा। कहाँ है यार, हम इतना टाइम बचाने के लिए इतना सोच रहे थे बट अभी सब गड़बड़ हो गया। अगर आसपास कोई माइन मिल जाए ना तो पानी भी मिल सकता है, ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गेमर इन वर्ट इन वर्ट, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट ब्रो। यार प्लीज यार पानी मिल जाए यार, कोई वेट वेट वेट, ये ग्रेवल नीचे गिरेगा, लेट्स गो। ठीक है मैं सेफ हूँ शायद, इस पर मैं रिस्क लेने ही नहीं वाला, बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है, आराम से जाऊँगा मैं तो, ईजी पीजी। यहाँ पर कोल है, मेरे को यार बाहर ही निकलना चाहिए, ब्लॉक लगा के बहुत झमेला हो जाएगा। अब मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगा और मेरे को लग नहीं रहा कि मुझे पानी मिलने वाला है। चुपचाप से ब्लॉक लगा के ही बाहर निकलते हैं और वापस ब्लॉक लगा के ही अंदर आ जाएंगे। ठीक है तो यहाँ से मैं इधर आया था, इधर इधर इधर, अगर अभी पानी रहता कितना मस्त ईजी हो जाता यार, लेट्स गो। हाँ मैक्स गेमिंग ब्रो, लव फ्रॉम जम्मू, अरे लव यू टू मेरे भाई, लव फ्रॉम दिल्ली। 75K पीपल्स आर वाचिंग, नाइस यार। जिसने अभी तक गाइस स्ट्रीम को लाइक नहीं करा है और जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा डालो। फिलहाल यार जल्दी से बाहर निकलते हैं, टाइम अपने पास बहुत कम है, मतलब ऐसा कुछ रेस तो नहीं लगी है बट हाँ मेरे को जल्दी से जल्दी करना है यार। लास्ट स्ट्रीम पे भी हमने काफी देर लगा दी थी और जितना देर होता है ना उतना थोड़ा बोरिंग हो जाता है और जैसी बोरिंग होता है हम लोग थोड़ा मरने की तरफ को मूव होते हैं। खैर सामने मैंने अपना, एक सेकेंड, मेरा क्राफ्टिंग टेबल मैंने इस केव की बाहर नहीं, वो दूसरी साइड थी शायद, मैं भी एंटर मतलब एंटर किसी और साइड से हुआ था और एग्जिट में किसी और साइड से हो गया हूँ शायद। हाँ ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ है। हमारी जो एंट्री थी इस केव की वो थी, हाँ भाई कुछ
यार रात होती। ओ सामने विलेज 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 गाइस, अभी विलेज मिल चुका है, फूड का टेंशन खत्म। बट अभी मेरे को यार अपना क्राफ्टिंग टेबल ढूंढना है, क्योंकि उस फर्नेस में काफी सारा आयरन भी मैंने रखा हुआ है। मैं इस बार ना एक बार इस माइन के अंदर चलता हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं जब गया ऐसे था वापस कहाँ से आ गया मैं। शायद वो ये रास्ता था जहां से मैं आया, वो ही मेरी क्राफ्टिंग टेबल है। और अभी थोड़ा सा एक मिनट इनकी भैंस की स्केलेटन आ रहा है मेरे को मारने के लिए। इसको मैं अभी जलवा के मारूंगा, रुको जाओ। भगवान से सुरक्षा मांगेंगे हम लोग, ऊपर से सनलाइट आएगी, स्केलेटन जल के मरेगा। सरजीत सिंह कैसे हो ब्रो, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। व्हाट्सअप संजय जायसवाल ही आरके वाईटी, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम ब्रो। खैर अभी बेड को तोड़ते हैं, रिस्पॉन पॉइंट मुझे नहीं सेट करना। कॉल मेरा वापस, तो इसको तोड़ो इसको तोड़ो। विलेज मेरे को मिल चुका है, अपना काम एकदम मस्त हो गया। जल्दी से तोड़ते हैं। मेरे को ये वाली जगह याद रखनी है, इसकी कोऑर्डिनेट्स है -174103। यहीं से गाइस मैं वापस अंदर जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को लावा पुल मिल चुका है और लावा पुल का डायरेक्ट रास्ता वहीं पर है। मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा अंदर जाके हम लोग लावा पुल पे पहुंचेंगे और नया पोर्टल बनाकर निकल लेंगे। खैर फूड खा लेता हूं, अभी सब काफी कुछ स्मेल्ट करना है और अभी स्मेल्ट करूंगा मैं सीधा विलेजर के वहां जाके। ओ नाइस, यहां से मुझे एरो मिल चुका है। वैसे एरो से याद आया, अगर हम ड्रैगन तक पहुंचते तो मुझे एक फ्लैचिंग टेबल भी बनाना पड़ेगा। ओए रात में मुझे विलेज दिखा था भाई, प्रॉपर विलेज दिखा था रात में मुझे, शायद उस साइड था। रात में थोड़ी रोशनी थी और हम लोग गलत साइड से एग्जिट हो गए, इसलिए वहां की लाइट जली और हमें वो विलेज नजर आ गया। खैर चलते चलते ना बीच रास्ते में जो भी एनिमल्स है उन्हें मार के फूड भी इकट्ठा कर लेता। भाई फूड बहुत जरूरी है, लास्ट टाइम की तरह नहीं होना चाहिए। नेदर में ब्लेज से लड़ने जा रहे हैं और अपने पास फूड ही नहीं है, क्योंकि ब्लेज आपको पता ही है भाई, उसकी जो रेंज होती है ना भाई अटैक करने की, मतलब एक बार को ना एंडर ड्रैगन भी बच्चा लगता है। एंडर ड्रैगन तो मतलब एक नॉर्मल सा है, वो कभी कभार ही मारता है, जैसे हम लोग घूमते रहे ना तब नहीं मार पाता वो एक जगह। इसको क्या हो गया बे, फार्म बनवा रही है, खुद से ही फार्म बनी पड़ी है भाई, वो भी फूड का। लेट्स गो, काफी सारा फूड यहाँ से मिल चुका है, तो एक शॉट में ढेर। जब भी हम लोग ऐसे कूद के यू मारते हैं और स्टार निकलता है तो समझ लो एक बहुत बेस्ट शॉट मारा है आपने। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है खतरनाक, अगर आप नॉर्मल एक नेदरराइट एक्स यू मार रहे हो और आप आयरन का एक्स भी यू करके मार रहे हो ना, तो दोनों का डैमेज बराबर है, समझ रहे हो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अटैक करने का, जिन लोग को नहीं मालूम था मतलब मैंने बता दिया, बट हाँ अच्छा होता है थोड़ा ये, वैसे आते ही होगा जहां तक है सबको, क्योंकि भाई जिसने हीरो ब्रांड एसएमपी देखा है उसे समझ लो सब पता है। उसमें ये सब आम बात होती है भाई। लेट्स गो, ये घास की वजह से बच रहा है तू, ये ले अब ले तेरी भैंस के, फ्लिंट एंड स्टील बना के जलाऊंगा तुम्हें। परेशान कर रहे हो, अब कुक्ड फूड मिलेगा मेरे को, लाओ भाई। बट हाँ थोड़ा सा बचा लूंगा, इसकी जरूरत पड़ जाती है भाई बहुत ज्यादा। खैर मैं विलेज क्यों नहीं लूट रहा हूँ यार, विलेज लूटना है मेरे को भी।